सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह जिले के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने बताया कि झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता से गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने आग्रह किया था कि जिले में प्राइमरी हेल्थ केयर व कई अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टरों की कमी की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आए दिन होते रहती है। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के आग्रह पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिले के अलग अलग प्रखंडों व हेल्थ सेंटरों में कुल मिलाकर 29 नए चिकित्सकों की स्थापना की। मौके पर जमुआ विधानसभा प्रभारी सतीश केडिया, जिला उपाध्यक्ष अमित सिन्हा, नगर अध्यक्ष महमूद अली, मदन विश्वकर्मा, जिला महासचिव तनवीर हयात समेत कई कांग्रेसी मौजूद थे। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि झारखंड में हमें लगता है गठन के बाद लगभग यहाँ पर बीजेपी का ही शासन रहा है। पिछले दिनों 15 महीना रहा था लेकिन समय कम मिल पाई, लेकिन ये सरकार गठन होने के बाद बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रही है, जो लोगों को दिखाई भी दे रही है। साथ ही कुछ दिन पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी इधर से जा रहे थे तो यहाँ रुके थे, तो जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग की गई थी कि इस ज़िले में डॉक्टर का काफ़ी अभाव है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधा सही से नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा था कि मेरे पास सीमित संसाधन, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। तो अभी जो कुछ नए डॉक्टरों का ये उसमें से गिरिडीह को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हुए 29 डॉक्टरों को देने का काम किया। इसमें सदर हॉस्पिटल भी है, धनवार का रेफरल हॉस्पिटल भी है, जमुआ में भी है, गांडे में कहने मतलब इवेन कि आपको कम्युनिटी सेंटर हेल्थ सेंटर गाँवा बगोदर ऐसे जगहों में दूर दूर वहाँ भी देने का काम किया। पहली दफ़ा हमें नहीं लगता है इसके पहले कोई सरकार ने इस तरह का काम किया होगा कि जानकारी अभी अध्यक्ष महोदय ने आपको दी। मेरा मीडिया के माध्यम से एक बात कहना है विपक्ष के लोगों से, विपक्ष खास करके झारखंड में जो विपक्ष के लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और मांझी, सबसे पहले तो मैं और मांझी की घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसे हत्यारे और बलात्कारी लोगों को तत्काल सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाकर फांसी पर चढ़ाए। लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वैसे लोग जिन्होंने जिनकी सरकार में हाथरस जैसा कांड हुआ, पुलिस ने रातों रात सबूत मिटाकर हत्या लाश को जलाने का काम किया। पहले तो कहते रहे बलात्कार नहीं हुआ, फिर कहते रहे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और मामले को छुपाने का लिपापोती करने का प्रयास किया। जिनके राज्य के विधायक लोग बलात्कारी रहे हों, जिनकी जिस दल के, वो लोग इस तरह के मामले पर, उसके बावजूद भी विपक्ष ने कहा वहाँ मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। इस गिरी भी मानसिकता के लोग और यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करवाते हैं और उसको सही ठहराते हैं। कल मैंने एक दलबदलू पूर्व मुख्यमंत्री का बयान देखा कि यदि भाजपा के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अपराधी किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारे दल का भी कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।